हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल भोन से रेट होगा। तो आज हम एक ऐसी बाइक का रिव्यू करेंगे जो हर एक कोई बाइक लवर है उसके लिए एक इमोशन है। मतलब ये बाइक से बढ़ के एक इमोशन है। दिस इज़ हार्ली डेविडसन आयरन 883, जो कि हार्ली डेविडसन का थर्ड एंट्री लेवल सेगमेंट है। एनी हाउ लेट्स सी कि यहाँ का मतलब बाइक का जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है वो पहले देख लेते हैं, उसके बाद एक बार बाइक को चला के उसका कैसे रियल टाइम में ये कैसा मतलब बाइकर को कैसा फील देता है उसके ऊपर एक बार देखेंगे। तो टेक्निकली बोलूँ तो आयरन 883 मतलब 883 सीसी का डिस्प्लेसमेंट है इंजन का, और जो कि 50 BHP का पावर जनरेट करता है। उसके साथ अगर आप देखेंगे तो सामने की तरफ आपको मिल जाएगा 19 इंच का टायर, जो कि 100 mm का विड्थ है, पर जो टायर का साइज है वो 19 इंच है। और पीछे की तरफ आपको मिल जाएगा 16 इंच का टायर, क्योंकि बाइक का डिज़ाइन ही कुछ ऐसा है जो कि फ्रंट की तरफ थोड़ा सा राइज होके है, इसीलिए फ्रंट का टायर का साइज थोड़ा बड़ा है और पीछे का टायर साइज थोड़ा सा छोटा है, मतलब 16 इंच का है। और पीछे का टायर का विड्थ बताऊँ तो विड्थ 150 mm का विड्थ है टायर विड्थ। और ये बाइक का एक स्पेशलिटी है कि ये चेन ड्राइव नहीं है, ये बेल्ट ड्रिवन बाइक है जो कि बेल्ट से ऑपरेट होता है। तो बेल्ट से ऑपरेट होने के मतलब वजह से जो फर्स्ट गियर आप डालेंगे तो एक बहुत ही हेवी नॉइज प्रोड्यूस होता है जो कि डिफाइन करता है कि बेल्ट ऑपरेटेड है। उसके साथ आपको बाइक में ये फिलहाल सिंगल सीटेड में है, आप चाहे तो सेकेंड सीट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और बाइक जो है वो ट्विन सिलेंडर में आता है, तो ट्विन सिलेंडर आएगा और ये एयर कूल्ड इंजन है, लिक्विड कूल्ड नहीं है। पर मेरे को लगता है कि इस प्राइस पॉइंट में लिक्विड कूल्ड इंजन देना चाहिए था। बाकी आप यहाँ पे टैंक को देखेंगे तो टैंक थोड़ा नैरो है, जो कि काफ़ी लोगों को मतलब पसंद नहीं आ सकता है, क्योंकि जब आप राइड करेंगे तो टैंक इतना नैरो डाउन हो गया है कि आपको वो वाला ग्रिप नहीं मिलेगा जो ग्रिप आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। टैंक है 12.5 लीटर का टैंक है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो कंसोल है वहाँ पे आप लोगों को हैजर्ड लैंप मिल जाएगा, आपको इंजन कील बटन मिल जाएगा, कील स्विच मिल जाएगा, यहाँ पे आपको सेल्फ स्टार्ट का बटन मिल जाएगा, ये दोनों तरफ आपको इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको हेडलाइट का एडजस्टमेंट, यहाँ पे आपको हॉर्न का एडजस्टमेंट मिल जाएगा। इसके साथ ये वाला जो कंसोल है ये आपका एनालॉग डिजिटल दोनों में है, जो कि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अभी एक पॉजिटिव बताऊँ तो जो यहाँ इसका ब्रेक और क्लच का जो लीवर है वो लीवर काफ़ी अच्छा ग्रिप बनाता है, जो जब आप मतलब बाइक को राइड करेंगे ये बहुत ही हैंडी है, मतलब बहुत अच्छा ग्रिप बनाता है, तो एक अच्छा राइडिंग एक्सपीरियंस आपके लिए क्रिएट करेगा। देन बात करूँ सीटिंग पोस्चर की, तो सीटिंग पोस्चर काफ़ी कंफर्टेबल है। बस एक ही चीज़ जो मैंने पहले भी बताया था कि जो शॉर्ट राइडर हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा, बट चीज़ ये है कि यहाँ पे जो ग्रिप है ये ग्रिप थोड़ा आपको अच्छे से नहीं मिल पाएगा, बिकॉज आप यहाँ पे भी एक एयर फिल्टर है, तो यहाँ पे आपको जो ग्रिप ऐसे बनना चाहिए वो ग्रिप आपको मे भी नहीं बन पाएगा। बाकी क्रूजिंग के लिए बाइक सही है। बाइक में दो डिस्क ब्रेक दिए हुए हैं, एक आगे आपको फ्रंट में एक डिस्क ब्रेक मिल जाएगा, पीछे एक डिस्क ब्रेक मिल जाएगा, दोनों मतलब गाड़ी ABS एनेबल्ड है, ABS है गाड़ी में, पर मेरे हिसाब से गाड़ी में डुअल डिस्क ब्रेक आगे देना चाहिए था, बट वो मिसिंग है। और अभी हम रियल टाइम में माइलेज की बात करें तो कंपनी क्लेम्ड माइलेज अराउंड 20 km/L है, बट रियल टाइम में वो डिफ़र करेगा और वो अपने अपना चलाने का स्टाइल पे भी डिपेंड करता है, बट 20 km/L वो कंपनी क्लेम्ड है, आपको सिटी में अराउंड 17-18 मिल जाएगा। बाकी एक बार हमें इसका एग्जॉस्ट का साउंड सुनेंगे, फिर एक बार राइड लगा के फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका राइडिंग क्वालिटी कैसा है। तो एग्जॉस्ट साउंड सुनने के लिए पहले मैं गाड़ी का ऑन करता हूँ। हाँ, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखो भाई, 11 लाख दे के ये गाड़ी खरीदने के बाद गाड़ी के साथ ये मिलता है, यहाँ पे बहुत मतलब दिल टूट जाता है यार, मतलब क्या है, लाइक जो ओनर है मतलब उसको तो ये एक मतलब सेटबैक ही है, इतना बड़ा गाड़ी खरीदेगा और इसके साथ इतना छोटा सा की, ये जस्टिफाइड नहीं है, हार्ली डेविडसन नहीं जस्टिफाइड नहीं है। एनी हाउ लेट्स स्टार्ट।
अभी मैंने चलाया गाड़ी को, तो गाड़ी का सीटिंग कंफर्ट काफ़ी अच्छा है। मतलब मैं अभी तो सिंगल बैठा हूँ क्योंकि सिंगल सीट ही है, पर सीटिंग कंफर्ट काफ़ी अच्छा है और जो राइडिंग पोस्चर भी है वो लॉन्ग राइड के लिए काफ़ी सही रहेगा। मतलब आप अगर कोई टूर में जा रहे हो लॉन्ग राइड्स पे, तो बाइक विल सपोर्ट यू। मतलब इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग, इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, व्हीकल विल डेफिनेटली सपोर्ट यू। बट एक चीज़ है, इंजन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। मतलब मैं थोड़ा सा ही राइड किया हूँ और इंजन का मतलब अभी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। हार्ली डेविडसन का बाइक है, सुपर बाइक है, तो ये शायद मतलब जस्टिफाइड है कि इंजन गर्म हो सकता है, बट मेरे को लगता है ये थोड़ा ज़्यादा ही हीट हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई डू नॉट हैव एनी कंप्लेंट इंजन हीटिंग इशू को छोड़ के। बाकी गाड़ी चलाने में काफ़ी मस्त है और जो नेम इट्सेल्फ जस्टिफाइज, बहुत बड़ा ब्रांड है और वो आपको एक इनर पीस भी देगा कि आई एम राइडिंग ए हार्ली डेविडसन, और रास्ते पे जाएंगे तो लोग एक बार मुड़ के जरूर देखेंगे। सो ऑन रोड प्राइस इसका अराउंड 11 लाख आता है, एक शोरूम प्राइस अराउंड 9.38 लाख है। तो अपना अपना सिटी में वैरी करेगा प्राइस, बट एक शोरूम का प्राइस 9.38 है। तो जो हार्ली डेविडसन लवर है और जिनको एक हार्ली डेविडसन का बाइक लेना है और जो स्पेशली 883 का फ़ैन है, वो डेफिनेटली कैन गो फॉर इट। सो दिस इज़ अ शॉर्ट रिव्यू ऑन हार्ली डेविडसन आयरन 883। थैंक यू गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक द वीडियो एंड विल बी ब्रिंगिंग न्यू रिव्यूज़ ऑन बाइक्स, सुपर बाइक्स फॉर यू। सो लव यू गाइज, बाय।